हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हंट्स जॉब कमर्शियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं विदेश के कई शहरों में काम करने के अवसर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉब्स, वो भी कुवैत से और कुवैत की एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी से। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है कुवैत में और कंपनी का नाम है ABJ इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। ये कुवैत की एक बहुत ही जानी मानी रेप्यूटेड कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में। और आज का ये जो वीडियो है और इस वीडियो में जो हम पोजिशन आपको बताने वाले हैं, वो होने वाले हैं एक स्काडा प्रोजेक्ट के लिए, जो है एक ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी मेंटेनेंस के लिए। टोटल 10 पोजिशंस है। इन सभी पोजीशंस के लिए आपके पास गल्फ कंट्री वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में। इसके साथ ही आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, और अरेबिक स्पीकिंग स्किल्स भी अगर आपके पास होंगे तो वो बहुत ही हाईली प्रेफर्ड होगा। अगर आपने KNPC जो है कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी या फिर KOC कुवैत ऑयल कंपनी, इन दोनों कंपनीज के साथ आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है तो आपको डेफिनेटली इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट हाईली प्रेफर्ड है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो सभी जॉब पोजीशंस। पहली पोजीशन है सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। आपकी सैलरी रेंज है 470 से लेके 710 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस 8 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस। दूसरी पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। आपकी सैलरी रेंज है 320 टू 540 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस 6 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस। तीसरी पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट फिटर। इस पोजीशन के लिए सैलरी रेंज होगी 200 टू 365 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास होना चाहिए टेक्निकल ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI या कोई इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, 5 साल का एक्सपीरियंस ऑयल और रिफाइनरी एरियाज में। चौथी पोजीशन है हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर। इस पोजीशन के लिए आपकी सैलरी रेंज होगी 180 टू 340 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ड्राइवर एंड ऑपरेटर किसी इंडस्ट्रियल कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर के अंडर, और इस पोजीशन के लिए आपके पास वैलिड कंस्ट्रक्शन कुवैती ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। पांचवी पोजीशन है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन। इस पोजीशन के लिए आपकी सैलरी रेंज होगी 275 टू 450 कुवैती दिनार। इसके लिए आपके पास होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट प्लस 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स एक्सपीरियंस और 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयर और ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। छठी पोजीशन है इलेक्ट्रिकल फिटर की। इस पोजीशन के लिए आपकी सैलरी रेंज होगी 190 टू 365 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस इस रेलिवेंट पोजीशन के लिए। सातवीं पोजीशन है पिकअप एंड क्रू कैब ड्राइवर। इस पोजीशन के लिए आपकी सैलरी रेंज होगी 140 टू 270 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए वैलिड कंस्ट्रक्शन कुवैती ड्राइविंग लाइसेंस। आठवीं पोजीशन है सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की। इस पोजीशन के लिए सैलरी रेंज है 450 टू 710 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस एज एन इलेक्ट्रिशियन। नौवीं पोजीशन है IT टेक्नीशियन। इस पोजीशन के लिए आपकी सैलरी रेंज है 320 टू 540 कुवैती दिनार। इस पोजीशन के लिए आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन प्लस 5 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस। दसवीं पोजीशन है एयरलेस स्प्रे पेंटर की। इस पोजीशन के लिए सैलरी रेंज होगी 100 टू 270 कुवैती दिनार। इसके लिए आपके पास SSC क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके साथ ही आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एज अ इंडस्ट्रियल पेंटर। तो ये थे वो सभी 10 पोजीशन, जिसके साथ ही मैंने आपको उनकी सैलरी बताई, वर्क एक्सपीरियंस और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जरूरी है वो सब मैंने आपको बताया। इसके साथ ही आपको कंपनी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है, जैसे कि फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और पेड लीव भी। ओवर टाइम भी आपको पे किया जाएगा एज पर कुवैत लेबर लॉ। तो आपको अभी जल्द से जल्द जाना है और इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है मुंबई और चेन्नई में,
और हाँ, सबसे जरूरी बात, बहुत ही कम दिन बचे शॉर्टलिस्टिंग के लिए। जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ ही होगा। फाइनल इंटरव्यू होने वाला है मुंबई और चेन्नई में। चेन्नई में ये होगा 3 जून 2023 और मुंबई में ये होने वाला है 5 जून 2023। चेन्नई और मुंबई के ऑफिस एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं और इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर रहे हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और हंट्स जॉब कमर्शियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जितने भी विदेश जाने के जॉब के अवसर हो आपके हाथ से मिस आउट ना हो और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पता चले।